हाय हेलो नमस्ते नमस्कार शी श्रीकाल आदाब वड़कम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे होली के हेयर स्टाइल जो दिखने में भी स्टाइलिश रहेंगे और कलर से भी डैमेज नहीं होंगे। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए अपने क्राउन सेक्शन के हेयर को सेपरेट कर ले, बाकी के सारे हेयर को एक साइड में कर ले, अच्छे तरीके से कोम कर ले और अब आपको यहाँ पे ब्रेड बनाना है। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपको बस स्मॉल स्मॉल सेक्शन एक एक के ऊपर रखते जाना है और आप देखेंगे कि अपने आप ब्रेड बनते जाएगा। बस आपको ध्यान रखें, ईजिली अच्छे तरीके से आपको स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेके एक के ऊपर एक रखते जाना है और जब ये एंड हो जाएगा तो आपको एक बॉबी पिन से इसे पीछे से सिक्योर कर ले अच्छे तरीके से। उसके बाद दोनों तरफ से हेयर को लेके ऊपर आपको एक हाई पोनी में कन्वर्ट कर लेना है अपने पूरे हेयर को, फिर रबर बैंड से इसे अच्छे तरीके से टाई कर लें। अब अपने पोनी टेल को टू सेक्शन में डिवाइड कर ले कुछ इस तरीके से और एक सेक्शन लेके उसमें अगेन दो सेक्शन डिवाइड करके आपको बस इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है पूरा एंड तक। एंड में आ जाएंगे तो एक इलास्टिक बैंड से अच्छे तरीके से उसे टाई कर लें। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे साइड का भी करना है, टू इक्वल सेक्शन डिवाइड कर लें और ट्विस्ट करते जाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है बन। अगर बन आपके पास नहीं है तो आप सॉक से भी बना सकते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब जो ट्विस्ट हमने बनाया है उसे हम रैप कर देंगे, जो हमारा बन है डोनट है उस पे आपको अंदर डालना है बाहर निकालना है, दैट्स इट। दोनों में ऐसे ही करना है और आपका हेयर स्टाइल रेडी है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए इस तरीके से हाई पोनीटेल बना लीजिए, फिर से ले लीजिए डोनट बन और उसे इस पोनीटेल में कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपने पूरे हेयर को उस बन और जो डोनट है उसके चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप ले लीजिए एक रबर बैंड और उसके ऊपर डाल के कुछ इस तरीके से फिक्स कर दें। अब ले लें अपने सारे हेयर को एक साइड और उसे ट्विस्ट करना है आपको। बस इसी तरीके से ट्विस्ट करते करते आपको चारों तरफ बन के इसे रैप कर ले अपने हेयर को कुछ इस तरीके से और बॉबी पिन यू पिन जितने भी पिन है अच्छे तरीके से हेयर को फिक्स करी, क्योंकि इसी हेयर स्टाइल के साथ हम होली खेलने वाले हैं तो हेयर बिल्कुल भी खुलने नहीं चाहिए। कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उसमें मैं लाने वाली हूँ आपके लिए 20 अमेजिंग एंड डिफरेंट होली हैक्स, तो कल का वीडियो जरूर देखें। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।